गाना बजा। जमाना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के फसाने बनेंगे। बेतु भैया उसी जमाने में गाना बजा। मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी, मिटाने के सौ बहाने बनेंगे, बहाने बनेंगे। क्रांति माला जी, कि मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुमको मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले, ले मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले, खुदा से मेरा दिल तुझे मांग ले। सतीश भैया रोज कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होती है, तो हमारा फर्ज बनता है कुछ ऐसा सुनाए जो आज के पहले आपने ना सुना हो ससीराज कला से। अब रोज रोज मुसीबत कभी कभी, इसलिए भीड़ कम हो जाती है। और क्या, और क्या, जिस समय प्रभु राम का रावण से युद्ध हो रहा है, मेघनाथ का लक्ष्मण जी से युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, शक्ति बाण लगा। सुसेन वैद्य ने बताया कि अगर रातों रात संजीवनी आ जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी महाराज त्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लाने के लिए चले, संजीवनी को नहीं पहचान पाए, पूरा पर्वत ही उठा लिया। अयोध्या के ऊपर से आए, इधर भरत जी ने सोचा कोई असुर अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है क्या, एक बाण चला दिया। हनुमान जी महाराज गिरे नीचे नंदीग्राम में। जब हनुमान जी महाराज के द्वारा भरत जी को खबर मिली, खबर मिली कि भैया लक्ष्मण के प्राण संकट में है, शक्ति बाण लगा है, भरत जी ने अपना शंख बजा दिया। क्रांति माला जी उस शंख की ध्वनि को सुन करके शत्रुघ्न ने पहचान लिया कि भरत जी क्या बताना चाहते हैं। तो जो मौन सुमित्रा थी उठी है, प्रसूता ये बाड़ी बोल उठी है। जब सुमित्रा को पता चला कि नंदीग्राम में हनुमान आए थे, उन्होंने बताया कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है, शक्ति बाण लगा है, तो उर्मिला सुमित्रा कहने लगी क्या जी। सुमित्रा ने कहा थप्पन पास किसी का मिलापन किसी को,
पास तो तेरा था, मानस में संकेत मिलता है तुम्हारे ही भाग राम बन जाही दूसर हेतु ताप कछु। वनवास लक्ष्मण का होना था लेकिन जाना पड़ा राम, तो माता सुमित्रा ने कहा था वनवास किसी का मिलापन किसी को किसी की मुसीबत कोई ढो रहा है। क्या बात है। और आए लक्ष्मण लगा पाड़ जिसी को अचल सो रहा है। पाड़ तो तुझे लगा, लगा पाड़ जिसी को अचल सो रहा है, लगी चोट जिसी को बिलख रो रहा है। पाड़ तुम्हें लगा लेकिन चोट राम को लगी, समझो लगी चोट जिसको बिलख रो रहा है। लेकिन मेरे राम चिंता ना करिए, अगर माँ की ममता, अगर माँ की ममता में क्षमता है तो फिर अगर माँ की ममता में क्षमता है तो फिर विरह की जगह पर मिलन भेज दूंगी। अगर माँ की ममता में क्षमता है तो फिर विरह की जगह पर मिलन भेज दूंगी, मिलन भेज दूंगी। मेरे राम यदि, मेरे राम यदि लक्ष्मण मर गया तो, मेरे राम यदि लक्ष्मण मर गया तो कभी दुख न करना शत्रुहन भेज दूंगी। क्रांति माला जी, गीत में कुछ नहीं है, ये माँ की ममता की पहली स्थिति है। अगर किसी माँ को ये पता चले कि उसके बेटे के प्राण संकट में है तो थोड़ा सा विचलित होती है। चाहे एक सेकंड हमारे लिए, एक सेकंड राजकुमार अरे भैया केदारनाथ प्रजापति कुंडौली लगातार पुरस्कारों की बौछार हो रही है आपके द्वारा। ये भी एटीएम साथ लेके आए और क्या, ये माँ की ममता की पहली स्थिति थी। और क्या, एक बोरा नोट लेके आए लेकिन डिब्बा सुबह लेके जाना। डिब्बा दे देना संदीप भैया। एक और देखिए, दूसरी स्थिति देखिए। पहले तो विचलित हुई सुमित्रा कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, राम रो रहे हैं, राम संकट में हैं। अब सतीश भैया दूसरी स्थिति देखिए, स्थिति बदली बदली जब माता सुमित्रा ने उर्मिला की तरफ देखा कि सब तो दुखी है लेकिन उर्मिला मुस्कुरा रही है। आखिर उर्मिला मुस्कुरा क्यों रही है? माता सुमित्रा कहने लगी कि जहां वेदना का खहरता हो सागर, वहां नाव आशा कि क्यों चल रही है। क्या बात है, क्या बात है। उर्मिला मुस्कुरा रही है। जहां वेदना का खहरता हो सागर, वहां नाव आशा कि क्यों चल रही है। क्यों चल रही है आशा की नाव?
सिंदूर मिला के अधर मुस्कराते क्यों केदार भाई उर्मिला क्यों मुस्कुरा रही है अडिग उर्मिला के अधर मुस्कराते अभी उसके दीपक की लौ चल रही है। क्या बात यहाँ पर माताएं बहनें उपस्थित हैं। एक संकेत कर रहा हूँ कि अगर पत्नी पति प्रता है तो उसके पति का कभी बाल बांका नहीं हो सकता है। लड़ाई मेघनाथ लक्ष्मण की नहीं थी, वो युद्ध था दो सतियों के बीच में, एक तरफ उर्मिला और एक तरफ सुलोचना। लक्ष्मण मूर्छित है लेकिन उर्मिला मुस्कुरा रही क्यों? अधिक उर्मिला के अधर मुस्कुरा लौ चल रही है, लौ चल रही है। माता सुमित्रा ने कहा ना मेरा लक्ष्मण मर सकता है, ये अनहोनी हो ही नहीं सकती है। अगर दीप बुझना, अगर दीप बुझना भी चाहेगा तो इस अगर दीप बुझना भी चाहेगा तो इस उर्मिला के तन की तपन भेज दूंगी। अगर दीप बुझना भी चाहेगा तो इस उर्मिला के तन की तपन भेज दूंगी, तपन भेज दूंगी। अरे राम यदि लक्ष्मण मर गया तो कभी दुख न करना, शत्रुहन भेज माता कौशल्या के मन में भी जब उनको खबर मिली कि लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, राम रो रहे हैं, माता कौशल्या ने कहा मेरे राम से कहना, मेरे राम से कहना कि जब भी अयोध्या में आए तो बिना लक्ष्मण और जानकी के ना आए, बिना लक्ष्मण और जानकी के ना आए। सुमित्रा फिर बोली, क्या सुमित्रा फिर बोली, अरे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है दंतमाला जी, गाने तमाम तरह से लिखे जाते हैं और क्या, अब इसकी कोई कॉपी कर ले तो शशिराज कमल का कोई दोष नहीं, लेकिन लिखने की विधा देख। उर्मिला उर्मिला हंस रही है, सुमित्रा भी हंसने लगी, क्यों क्यों? प्रकट भाव अपने सभी कर रहे हैं, मेरा भाव निर्मल सुकोमल विमल है। विधा देखिए, सुषमा सुरक्षित, सुषमा संकेत है सीता की, सुषमा सुरक्षित पत्र भी सुरक्षित, सुषमा यानी सीता, पत्र यानी लक्ष्मण, सुषमा सुरक्षित पत्र भी सुरक्षित, सुरक्षित वो मेरा अरे राज कमल राजकमल प्रभु राम की तरफ इशारा है। सुषमा सुरक्षित पत्र भी सुरक्षित, सुरक्षित वो मेरा राजकमल है।
अमल है। अरे कौशल्या क्यों चिंता करती हो, क्यों चिंता करती हो? कि पवन के सहारे। अरे पवन पुत्र चले गए तो जाने दो, पवन पुत्र चले गए जाने दो, पवन के सहारे नयन से श्रवण तक। पवन के सहारे नयन से श्रवण तक अवध आगमन का पचन भेज दूंगी। पवन के सहारे नयन से श्रवण तक अवध आगमन का पचन भेज दूंगी, पचन भेज दूंगी। धाता ने मुझको कैकेयी को एक, कौशल्या को एक, लेकिन सुमित्रा को विधाता ने मुझको ललन तो दिए हैं। विधाता ने मुझको ललन तो दिए हैं, चलो दूसरा भी ललन भेज दो। उनके द्वारा राजकमल भैया को एक से मुद्राओं का पुरस्कार, इससे बड़ा कोई पुरस्कार हो ही नहीं सकता है। और ये क्या मुद्राएं जो हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हमारे बजरंग भाई, उनके लिए भी है। इनका नाम राहुल के अलावा आदित्य शर्मा भी है, और राजकमल भैया के लड़के का नाम भी आदित्य है। यही तो नहीं है, तुम देख सकते नहीं जब तक बंटवारा हो जाएगा नहीं। तेरा प्यार वो है जो मर के भी तुमको, मेरा प्यार वो है जो मर के भी तुझको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मिले मुझको जन्नत, मिले मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा की कसम मैं तुम्हें मांग लूंगा। हेतु भैया क्योंकि जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए क्योंकि आजकल पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। बढ़िया बढ़िया लाइनें। अब चूंकि दादा की कलम से गीत निकला है तो वो साधारण नहीं होगा, बिल्कुल वो बिल्कुल बुलडोजर बाबा वाला गीत है। आजकल भगवा बहन के दादा रंग जमा रहे हैं। अगर माँ की ममता ये क्षमता है तो फिर विरह की जगह पर मिलन भेज दूंगी, और मेरे राम यदि हमारे सम्मानीय केदारनाथ भैया, केदारनाथ प्रजापति जी आपके साथ तमाम मित्रगण आपके आए हैं, आपके द्वारा 201 मुद्राएं हैं। तो केदारनाथ भैया जितना तो आप डिब्बे के पीछे नहीं पड़े उतना ये पड़े हैं। कह रही है कि
दूंगी, लड़न भेज दूंगी, ये भेज दूंगी, वो कर दूंगी, सब सारी माताओं ने कह डाला। अब जब आपने इधर का पक्ष ले लिया है तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि उधर क्या हो रहा है। माताएं इधर इधर आकलन कर रही कि मैं ऐसा कर दूंगी, अगर वहां लक्ष्मण ऐसा है तो मैं लक्ष्मण भेज दूंगी, शत्रुघ्न भेज दूंगी। भैया केदारनाथ भैया सुनिएगा, लेकिन उधर उधर जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लग गई, लक्ष्मण की लक्ष्मण को शक्ति लगी तो देखिए भैया राम क्या विचार कर रहे हैं, सुनिए भैया राम क्या कह रहे हैं, सुनिए। लखन वन में आया राम जी, कह रहे कि वनवास केवल मुझे मिला था, कायदे से तो केवल मुझे जाना चाहिए वन, लेकिन ये भाई भाई का रामचरित मानस भाई भाई का प्रेम सिखाती है। जिसको कभी जीवन जीना सीखना हो तो केवल रामचरित मानस पढ़ लीजिए, और अगर रणनीति राजनीति कूटनीति सीखनी हो तो महाभारत पढ़ लीजिए। लेकिन रामचरित मानस हमें ये सिखाती है कि भाई भाई का प्यार क्या होता है, आपस में भाइयों को कैसे रहना चाहिए। लेकिन आजकल भाइयों भाइयों में प्रेम कहाँ दिखता है, कहाँ दिखता है बाबूजी। एक कार्यक्रम हो रहा था तो एक भाई साहब से पूछा गया, भैया किस उपलक्ष में कार्यक्रम करा रहे हैं, तो वो भाई साहब कहने लगे मैंने अपने भाई से मुकदमा जीता है इसलिए करा रहे हैं। तो ये कलयुग के भाई तो ऐसे हैं, मुकदमा जीतने पर कीर्तन करा रहे हैं। लेकिन वो भाई एक को राजगद्दी मिल रही नहीं ले रहा है और दूसरा अपने भाई को लेकर वन में परेशान है। तो पंक्ति कह रही है, राम जी कहने लगे लखन वन में आया संग में मेरे, तो वन भी वो उसको घर ही था लगता। लखन वन में आया संग में मेरे, तो ये वन भी उसको घर ही था लगता, घर जैसा मेरे साथ रह रहा था। लेकिन सेवा में हर दम भाई था मेरा, तो सोते थे हम पर के भाई ये जगता। के भाई ये जगता, मेरा भैया मेरे लिए जागता रहा ये लक्ष्मण। तो भगवान राम ने कहा हुआ जो अनिष्ट, तो शक्ति लगी लक्ष्मण को, तो देखे भाई के उद्गार क्या है। राम जी कहने लगे गोद में सर रखकर कि हुआ जो अनिष्ट, तो अगर आज कुछ भी हुआ जो अनिष्ट, तो अगर आज कुछ भी तो लाने सिया का मैं व्रत त्याग दूंगा। अगर मेरा भाई इसको कुछ हो गया कि हुआ जो अनिष्ट, तो अगर आज कुछ भी तो लाने सिया को मैं व्रत त्याग दूंगा। और अगर इस लखन ने, अगर ये मेरी गोद में मर गया, तो अगर इस लखन ने कि मेरा साथ छोड़ा, तो मैं इसकी कसम ये जगत त्याग दूंगा। अगर उधर है भेज दूंगी। शशि जी जवाब मिला लीजिएगा, दादा ने बहुत मेहनत से गाना लिखा है, और क्या, और ये केवल छोटे बच्चे प्रयास कर रहे हैं, हम दादा का क्या उत्तर देंगे, इनके गीतों की उत्तर देने की क्षमता नहीं है, लेकिन बच्चों ने प्रयास किया है। दादा सुनिएगा आप, सुनिए। अगर कुछ अनिष्ट जो हुआ आज कुछ भी, तो लाने सिया को मैं व्रत त्याग दूंगा। अगर इस लखन ने कि मेरा साथ
साथ छोड़ा तो इसकी कसम ये जगत त्याग दूंगा। और क्या त्याग दूंगा, प्रयास कर रही हूँ कि राम जी के उद्गार कैसे हैं। ये केवल भाई भाई का प्रेम है। अगर उधर माँ अपने बच्चों के लिए प्रेम बरसा रही है तो यहाँ भाइयों में कैसी एकता है। अगर एक माँ कह रही कि मैं अपने ललन इसकी जगह इसको भेज दूंगी, मैं दोनों ललन भेज दूंगी, तो उधर भैया भी कह रहा है कि अगर ये भाई ना रहा तो इसके लिए मैं जगत त्याग दूंगा। एक पंक्ति और देखिए, कहा मेरे लिए ये भाई मेरा लक्ष्मण मेरे लिए अयोध्या को त्याग कर चला आया है। और केवल यही नहीं, ये इधर चला आया है और उधर इसकी पत्नी उर्मिला आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। उर्मिला से लक्ष्मण ने चलते समय पानी मांगा, कहा उर्मिला जल ले आओ। उर्मिला जल लेने जब तक गई, लौट कर आती तब तक लक्ष्मण जा चुके थे। इस नारी का त्याग देखिए, अगर पति चला गया तो उर्मिला वैसी की वैसी 14 बरस तक मूर्तिवत जल का पात्र लेकर खड़ी रही। सोच कर देखिए कैसी कैसी होंगी वो नारियां। एक राम जी का साथ निभा रही हो, मेरी दृष्टि में सीता से बड़ा त्याग उर्मिला का है। सीता जी तो अपने पति के साथ कहीं ना कहीं है, दुख में सुख में साथ चल रही है, जो बन रहा है वो खा रही है, जो पहन रहे हैं वो पहन रही है। लेकिन उर्मिला को देखिए, उर्मिला चाह कर भी अपने पति के साथ नहीं जा पाई और मूर्तिवत 14 वर्षों तक एक ही जगह खड़ी रही। तो वो कह रहे हैं मेरे लिए ये अवध छोड़ आया, ध्यान में तो इसके खड़ी उर्मिला है। लक्ष्मण मर गया तो जाकर अवध में मैं उससे क्या कहूंगा, सोच करके मेरा कलेजा हिला है। अगर कहीं मेरा भैया ना रहा तो मैं उर्मिला से जब नजरें मिलाऊंगा तो उसको क्या जवाब दूंगा। तो कहा कि लखन मेरा मुझको जान से है प्यारा, जान से प्यारा लखन यदि छोटा, तो ये भी याद रखना कि प्यारा वो अपना भारत छोड़ दू, अपना भारत त्याग दूंगा। और अगर इस लखन ने मेरा साथ छोड़ा तो मैं इसकी कसम ये जगत त्याग दूंगा। अगर इस लखन ने मेरा साथ क्या बात।
अब हम ये नहीं कहेंगे वो मंडल सरेंडर हो गया, देख लियो, क्योंकि जो लोग पुरस्कार देने आ रहे हैं वो भी हमारे ही मंडल के, भले ही आपके साथ जाते हो लेकिन है वो हमारे हमारे सम्मानीय कीर्तन के स्तंभ दादा श्री राजकमल खुरपेती जी। हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि आप हमारे उत्तर प्रदेश की शान है, और दादा ने हमारे आदित्य भैया का सम्मान किया है। एक बार आदित्य भैया के लिए तो नहीं कहूंगी, छोटे हैं, लेकिन दादा के लिए तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और शशि जी के साथ ये जो छोटे भैया हमारे उदयराज जी, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, गाते भी बहुत अच्छा है, और क्या, तो इनकी ओर से 51 मुद्राएं मेरे लिए, और 51 मुद्राएं आपने हमारे आदित्य भैया के लिए इस जवाब के प्रयास पर ये पुरस्कार